प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है, इसको बहुत ही इत्मीनान से काफ़ी दिन पहले से टाइप करके रखा गया था। निसंदेह जो है ये हमारे चेयरमैन साहब, चूँकि उनका कार्यकाल जुलाई में अगस्त में ख़त्म होने को है, इसलिए वो जो है कहीं से प्रभावित होकर के ये सारी कार्यवाही कर रहे हैं। हाईकोर्ट का जो चुनाव था वो 3 तारीख को था, बार काउंसिल ने उसे मतलब छत्तीसगढ़ बार काउंसिल ने उसे 9 तारीख का ये स्टे कर दिया था, क्या लगता है इसके पीछे भी कुछ षड्यंत्र था? हाँ, इनका एकमात्र मकसद यही था कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का जो निर्वाचन जो है समय पर जो हो रहा था उसको एन केन प्रकारण रोकना था, ताकि हमारा कार्यकाल 3 तारीख को समाप्त हो जाए। उसके बाद ये बलात् किसी को प्रशासक बनाना चाहते थे और जो है प्रशासक को बिठा करके ये चाहते हैं कि जो है वकीलों की आवाज़ को, वकीलों के हितों के लेकर के जो हम आवाज़ उठाते हैं उनको ये दबा सकें और प्रशासक इनके इशारे में काम कर सकें। धन्यवाद। एक निर्णय आया था, हमने जो है अपने कार्यकाल के दौरान वकीलों के हित में बहुत से न्यायिक मुद्दे उठाए, जिनमें महत्वपूर्ण जो है हमने मांग की थी कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय समेत देश के तमाम उच्च न्यायालयों में कार्यरत स्थानीय लोकल अंकल जजों के ट्रांसफ़र का मुद्दा हमने उठाया। इस हेतु हमने जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया, साथ ही साथ हमने स्थानीय न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र का मुद्दा उठाया। हमने स्थानीय न्यायाधीशों के जो रिश्तेदार वकील बड़ी तादाद पर जो काम करते हैं, उनके जूनियर्स जो काम करते हैं जिससे कि अन्य वकीलों का हित प्रभावित होता है, तो और जिससे न्यायिक क्षेत्र में जजों की गरिमा प्रभावित होती है, तो इसलिए हमने दिल्ली में जा कर के धरना प्रदर्शन के साथ साथ इस मांग को पुरजोर रूप से भारत में पहला उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ है जिन्होंने उच्च न्यायालय में कार्यरत अंकल न्यायाधीशों के स्थानांतरण की मांग की थी है, और उनके जो रिश्तेदार एडवोकेट्स हैं जो बड़ी तादाद में उच्च न्यायालय में कार्य करते रहे हैं जिससे अन्य जो वकील हैं उनका हित प्रभावित होता है, तो हमने इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का हमने काम किया है। इस बात को लेकर भी कतिपय लोग हमसे और हमारी कार्य पद्धति से रुष्ट रहे हैं। लगता है ये जो कल निर्णय आया है रातों रात, इसमें कहीं निसंदेह ये सारी जो शक्तियां हैं, जो खुशामत खोर लोग हैं, उन्होंने ही बैठ करके झूठी रिपोर्ट तैयार करके, झूठे आवेदन पत्र तैयार करके उन्होंने ये सारी शिकायतें की हैं। यदि पता करिएगा तो जो एक शिकायतकर्ता है वो आज भी एक स्थानीय न्यायाधीश का चेंबर का संचालन कर रहा है, और वो एडवोकेट जो है पूर्व में उस स्थानीय न्यायाधीश के लोकल न्यायाधीश का जो है जूनियर के रूप में भी कार्य करता रहा है। तो लगता है कि लोकल जजों का भी इसमें हाथ है। स्थानीय न्यायाधीशों का मुद्दा है तो उनसे संबंधित जो खुशामत खोर टाइप के जो चापलूस लोग हैं वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं और इसको मुद्दा को बना करके हमको परेशान करना चाहते हैं, और वकीलों की जो अहम आवाज़ है, अहम मुद्दे हैं, उनको जो है राष्ट्रीय पटल पर लाने से रोकने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अब एकदम बार काउंसिल के निर्णय क्या है, इसके पीछे का राज और क्यों ऐसा किया गया? ये झूठी मनगढ़ंत जो है स्टोरी के आधार पर इन्होंने सामान्य और आम वकीलों की जो आवाज़ है उसको रोकने के लिए और वकीलों के हितों के संबंध में जो हम बीच बीच में आवाज़ उठाते हैं उन आवाज़ों को दबाने के लिए ये एक षड्यंत्र के तहत कार्यवाही की गई है, जिसकी पूरे राज्य में वकील समुदाय के द्वारा निंदा की जा रही है, और एकमात्र इन्होंने षड्यंत्र के तहत ये कार्यवाही की गई है जिसका अख्तियार इनको नहीं है। किसी सामान्य अधिवक्ता को भी बिना सुनवाई का अवसर दिए उसके लाइसेंस को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तब तो हम स्टेट बार काउंसिल के निर्वाचित मेंबर हैं, राजपत्र में हमारा नाम प्रकाशित हो चुका है,
और इन्होंने जो है जानबूझ करके जो है दुर्भावनावश ये कार्रवाई की है, जिसका वकीलों में जिसको लेकर काफ़ी असंतोष व्यक्त इसके पीछे कोई व्यक्ति विशेष है या किसी समुदाय हाथ है? इसके पीछे जो है कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो हम जो है बार एसोसिएशन के मार्फत विभिन्न मुद्दे उठाते रहे हैं, और इस वजह से बहुत से लोग जो है उनको निजी रूप में ले लेते होंगे, लेकिन हम जो है वकीलों के हितार्थ, सामान्य वकीलों के हितार्थ, और जहाँ भी कभी हमको भ्रष्टाचार दिखाई देता है या कोई शिकायत आती है तो हमको वकीलों के हित में उसको उठाना पड़ता है, और इसी वजह से हो सकता है कुछ लोग रंजिश रखते हो और हमको नीचा दिखाने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का वार नहीं है, बल्कि ये वकील समुदाय पर और सामान्य वकीलों के हितों पर ये कुठारा कुछ घात कुछ लोकल जजों को भी नुकसान होने। है। इसमें जो है यहाँ तक कि जैसा अभी सुनने को आ रहा है, न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का भी इस षड्यंत्र में हाथ रहा है। रातों रात ऑर्डर जो है बंगले में टाइप कराया गया है। जो स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन साहब ने जो ऑर्डर दिया है 5-6 पेज का, वो ऑर्डर अंग्रेजी में है, और चेयरमैन कोसराम जी को अंग्रेजी आती ही नहीं है, वो उस ऑर्डर को पढ़कर भी नहीं सुना पाएंगे, और वो